हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल ब्रोली। मेरा नाम है शाहरुख। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पेजेस क्रिएट करते हैं, कैसे उन्हें पब्लिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पोस्ट क्रिएट करते हैं और कैसे उन्हें पब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्डप्रेस में लॉग इन करने के बाद में आपको आना है लेफ्ट साइड में, जहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई दे रहा होगा। और पोस्ट पे जैसे ओवर करेंगे आपको राइट साइड में चार ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरी एंड टैग्स। ऑल पोस्ट में जितने सारे पोस्ट हमने क्रिएट किए सब कुछ लिस्ट दिखाई देंगी। उसके बाद में अगर आपको ऐड नई पोस्ट क्रिएट करना है तो आप ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट पब्लिश की हुई है जो कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, और यहाँ पर मैं उसे प्रीव्यू करके देखता हूँ, प्रीव्यू इन न्यू टैब। तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड नाम से एक सैम्पल पोस्ट उन्होंने पब्लिश करके रखा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट। तो हमें अभी नया पोस्ट क्रिएट करना है तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ क्लोज। उसके बाद में पोस्ट में जाकर यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर टाइटल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की स्पेलिंग गलत है, इंटर्नशिप। और यहाँ पर मैं कुछ डमी टेक्स्ट डालता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से लॉरेम इप्सम से उठाता हूँ टेक्स्ट। उसके बाद में ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। डिस्क्रिप्शन में आप अपना डिस्क्रिप्शन कंटेंट लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर राइट साइड में आपको ऑप्शंस दिखाई रहेंगे, ब्लॉक है, उसके बाद में पोस्ट है, पैराग्राफ। उसके बाद में यहाँ से आप उसका साइज सेट कर सकते हो, स्मॉल चाहिए आपको स्मॉल दिखाई देगा, उसके बाद में नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल दिखाई देगा, अगर आपको मीडियम चाहिए तो मीडियम कंटेंट दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर उसको नॉर्मल पे रखता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हो आप, यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर कलर सेटिंग दी हुई है, कलर सेटिंग से बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर ब्लैक कलर ही यूज़ करेंगे हम, लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट जो है उसी के साथ जाता हूँ, ब्लैक कलर। उसके बाद में बैकग्राउंड का कलर कौन सा होना चाहिए आपको, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में किस तरह से कलर दिखाई देना चाहिए, तो कुछ इस तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो अगर आपको जो चाहिए वो। तो मैं यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट वाइट ही रखता हूँ। उसके बाद में आते हैं पोस्ट पे। पोस्ट में क्या होता है कि विजिबिलिटी, अगर विजिबल आपको पब्लिश करना है तो आप ये सभी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए जैसे कि प्राइवेट है या फिर पासवर्ड डालना चाहिए देते हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो तो वो दे सकते हो यहाँ से। उसके बाद में आता है परमालिंक, आप यहाँ से उसकी परमालिंक देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद में कैटेगरी, कैटेगरी हम आगे आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं, कैटेगरीज हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में टैग्स है, फीचर इमेज है, या तो हम यहाँ पर फीचर इमेज सेट कर लेते हैं। तो सेट फीचर इमेज के लिए मेरे पास एक इमेज है, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, उसके बाद में ये वाला इमेज है मेरे पास इमेज। उसके बाद में यहाँ पर आपको अल्ट टैग दे सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा ऑल टैक्स होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं सेट फीचर इमेज पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी इमेज यहाँ पर सेट हो चुकी है, फीचर इमेज। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश। उसके बाद में फिर से एक बार आपको पब्लिश पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका पोस्ट यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि व्यू पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसे व्यू करके देख सकते हो। देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी पोस्ट अपडेट भी हो चुकी है और ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ये हमारी फीचर इमेज। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।